हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इस हाउस डिज़ाइन के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर मॉडल देख रहे हैं दोस्तों, इसकी साइज़ की बात करें तो आपको 20 फीट चौड़ाई मिल जाता है और लंबाई आपको इसका 30 फीट मिल जाता है। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनके रिक्वेस्ट पर बनाया गया है इस प्लान में। हमारे दोनों साइड में तीनों साइड पैक है दोस्तों, जो भी वेंटिलेशन है हमारा फ्रंट में है और एक OTS बनाया गया है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसकी डिटेल को समझते हैं। इसकी और डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो को देखें, उसमें सारा डिटेल दिया गया है। दोस्तों हमारा घर 3 फीट हाइट में बनाया गया है, तो हम सीढ़ी से अंदर आएंगे, घर के ऊपर आएंगे, घर के अंदर तो हमें एक यहाँ पे सीट आउट मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, जिसकी साइज़ आपको मिल जाएगी 11 फीट बाई 6 फीट। और इसके दूसरे साइड में आपको स्टेयर मिल जाता है। आप इसे रेंट के लिए भी फ्यूचर में देना चाहते हैं फर्स्ट फ्लोर तो दे पाएंगे, सीढ़ी हमारा बाहर में है। उसके बाद दोस्तों मेन डोर से हम लोग अंदर आएंगे तो हमें एक छोटा सा हॉल मिल जाता है, जिसकी साइज़ आपको मिल जाएगी 14 फीट बाई 7 फीट 6 इंच का, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे। दोस्तों एक स्मॉल हाउस का प्लान है, अगर आपका ये जगह कुछ छोटा है इस तरह से 20 फीट बाई 30 फीट, तो इस तरह से बनवा पाएंगे। इसकी तीन बेडरूम वाली भी वीडियो हमारे चैनल में है सेम साइज़ का, तो वो भी देखें। दोस्तों ये हमारा किचन हो जाता है, जिसकी साइज़ आपको मिल जाएगी 7 फीट 6 इंच बाई 6 फीट, हमने इसमें छज्जा भी बनाए हुए है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे आप वॉश बेसिन वगैरह वॉशिंग मशीन लगा पाएंगे। और दोस्तों हमारे इस प्लान में दोनों बेडरूम में अटैच टॉयलेट है, ये बेडरूम 1 है, जिसकी साइज़ आपको मिल जाएगी 10 फीट बाई 10 फीट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके वेंटिलेशन हमारे बैक डोर के ऊपर में एक विंडो दिया गया है, बैक साइड में हमारा डोर है, बैक साइड में हमारा टॉयलेट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये विंडो दिया गया है। यहाँ से हम लोग बैक साइड में आएंगे तो ये हमारा दोनों बेडरूम का टॉयलेट है, दो टॉयलेट है यहाँ पर, ये आपका OTS हो जाएगा। छत से भी आप देखेंगे दोस्तों इसको, ये हमारा टॉयलेट 1 है, बेडरूम 1 का। दोनों टॉयलेट का साइज़ आपको सेम मिल जाता है दोस्तों, 7 फीट बाई 3.5 फीट का। इसकी वेंटिलेशन डोर के ऊपर में दिया गया है विंडो, ये दूसरा वाला टॉयलेट है, हम लोग वो उस बेडरूम से आएंगे वहाँ पे। तो ये दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल करके बेडरूम नंबर 1 पे चलते हैं, बेडरूम नंबर 2 पे। बेडरूम 2 की साइज़ की बात करें दोस्तों तो आपको सेम मिल जाता है, इसकी वेंटिलेशन यहाँ हॉल से भी हो जाएगा और बैक में भी दिया गया है सेम बेडरूम 1 की तरह। दोस्तों OTS का साइज़ की बात करें तो आपको 5.5 फीट बाई 3.5 फीट मिल जाता है, जो कि टॉप में आपका पूरा ओपन है, वो भी देखेंगे अभी छत में हम लोग जाएंगे तो। यहाँ से हम लोग बैक में आएंगे, बैक डोर है और इसमें भी एक टॉयलेट अटैच किया गया है दोस्तों, उसकी साइज़ सेम है जैसा कि अभी हमने बताया आपको। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं घर की तरफ और सीढ़ी से होते हुए फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे। दोस्तों इसका फ्यूचर में आपको सेकंड फ्लोर का भी वीडियो आएगा, अगर आप इसे रेंट पे देना चाहते हैं, मेन रोड पे आपका है प्लॉट तो आप इस तरह से बनवा पाएंगे छोटा सा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, डेली बेसिस पर हमारा वीडियो आते रहता है। तो ये दोस्तों हम लोग यहाँ से सीढ़ी से होते हुए फर्स्ट फ्लोर में आएंगे। किचन की वेंटिलेशन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जो कि फ्रंट में भी विंडो है, तो ये हम छत में कुछ इस तरह से आएंगे दोस्तों, ये हमारा OTS हो जाएगा दोस्तों, छत से कुछ इस तरह से दिखेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।